वेलकम टू मिथवाटेक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 10। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट कंपाउंड था या फिर ऑर्गेनिक मोनोमर्स था या फिर पॉलीमर्स जो था, उसको हम लोग एबायोटिक तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस समय, जो ये 19वीं सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने बनाने की कोशिश की कि अगर वो जो थ्योरी है हमारा केमिकल इवोल्यूशन वो सही है, तो हम लोग लैब में भी उस चीज़ को बना सकते हैं। और बहुत साइंटिस्ट बनाने की कोशिश की और सब लोग ने बनाया भी और ये प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, हमारा पहला जो पॉइंट है, वेरियस लेबोरेटरीज रेप्लिकेशन ऑफ द अर्ली अर्थ इवन विद द एडिशन ऑफ लो कंसनट्रेशन ऑफ O2 हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस ऑल 20 अमीनो एसिड्स, शुगर्स, लिपिड, नाइट्रोजनस बेसिस एंड इवन ATP। अब मैं बता रहा हूँ कि लैब में जो साइंटिस्ट लोग थे, क्या किया ना, 20 अमीनो एसिड जो हम लोग लिए सेंसेबल होता वो भी बनाए, शुगर भी बना लिए, लिपिड्स भी बना लिए, नाइट्रोजनस बेसिस भी बना लिए, इवन ATP तक बना लिए भाई लैब में। समझ रहे हो कितना साइंस आगे आ गया। तो इससे प्रूव कर दिया था कि हाँ, केमिकल इवोल्यूशन की वजह से ही हम लोग आए हैं अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे जो जीवन आया, ठीक है, लाइफ आया, वो किसके वजह से है, केमिकल इवोल्यूशन की वजह से ही हुआ। ये इन्होंने यहाँ पर प्रूव कर दिया था बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर। ठीक है, द एबायोटिक सिंथेसिस एंड एकोमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स कुल हैव बीन नेचुरल प्रोसेस और प्रीमेबल अर्थ। ये सब क्या हो गया, हो गया नेचुरल प्रोसेस हुआ होगा। स्टार्टिंग जब अर्थ हॉट था बिल्कुल, उस समय तो हम लोग थोड़ी ना थे, वो तो सब नेचुरल प्रोसेस हुआ है। और ये नेचुरल सब प्रोसेस हुआ, इसी को हम लोग नेचुरल प्रोसेस में एबायोटिक सिंथेटिक हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, द बायोटिक सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स में हैव अकर्ड वेन डिजॉल्व ऑर्गेनिक मोनोमर्स स्प्लैश ऑन टू हॉट वाटर। अब देखो उस समय कैसे हुआ होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो रॉक्स थे, और रॉक्स क्या था, गर्म था, उस गर्म पे जो बायोटिक मॉलिक्यूल्स थे वो टकराया होगा। ठीक है, डिजॉल्व हुआ और उस तरह से क्रैक हुआ होगा, उस तरह से फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, इस चीज़ को एक साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया। ठीक है, कि आखिर कैसे किए थे। एक साइंटिस्ट आया, फॉक्स हैज़ क्रिएटेड पॉलीपेप्टाइड ही कॉज प्रोटोनोइड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स बनाए एक वैसा, उसका नाम दिया उन्होंने प्रोटोनोइड्स। बाई ड्रिपिंग डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स ऑन टू हॉट सैंड एंड रॉक इन द लेबोरेटरी। उन्होंने लेबोरेटरी पर क्या किया, इस पॉलीपेप्टाइड्स को यानी कि प्रोटीनोइड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल दिया, सॉरी रॉक, और इस पर क्या किया, डाल दिया, और देखा कि सेम फॉर्मेशन तो हो रहा है, ये काम कर रहा है। चलो फिगर से समझने की कोशिश करता। सैंडी फॉक्स ने ऑब्टेन प्रोटीनोइड माइक्रोस्फेयर बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ ड्राई अमीनो एसिड एंड कूलिंग देम इन वाटर। ठीक है, इस तरह से बनाया था उन्होंने, और इस पे हॉट रॉक पे डाला था या फिर सैंड्स पे डाला था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स इंटू बॉडीज विथ डिफिनेट शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो जैसे गोल गोला दिख रहा है ना, ये अलग अलग शेप के माइक्रो मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था। किन किन कौन प्रूव किए थे, फॉक्स एक साइंटिस्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्ले मे हैव बीन एन इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेटम फॉर पॉलीमराइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मोनोमर्स विच बाइंड टू चार्ज पार्टिकल ऑफ क्ले। उसमें क्ले भी था, क्ले भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल कर रहा था, क्योंकि क्ले में आयरन्स थे, बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट था, वो सब चार्ज की वजह से भी कुछ ऑर्गेनिक मोनोमर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्ले भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पर पहला कौन कौन सा था, एक हॉट रॉक हो गया और दूसरा हमारा हो गया क्ले। ठीक है, मेटल एटम सच एज आयरन जिंक एट सम ऑफ द बर्निंग साइट्स में हैव बीन फंक्शन एज अ कैटलिस्ट। ये सब कैटलिस्ट का काम कर रहा था, सब कहाँ था, ये सब क्ले के अंदर ही तो प्रेजेंट था, फैसिलिटिंग द डिहाइड्रेशन रिएक्शन दैट लिंक मोनोमर्स। ठीक है,
आयरन पायरेट्स हैज ऑल्सो बीन प्रपोज एज अ सबस्ट्रेटम ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आयरन पायरेट हैज ऑल्सो बी प्रपोज एज अ सबस्ट्रेटम ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब आयरन पायरेट जो उसमें प्रेजेंट था, ये सब ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक सबस्ट्रेटम माना जा सकता है, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट एग्रीगेट ऑफ एंड एबायोटिकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मोलिकुल्स, ठीक है, एबायोटिकली बना होगा। प्रोबेबली प्रोसीडेड लिविंग सेल्स प्रोटोबायोन्ट में हैव डेवलप्ड सच एज अ कैपेबिलिटी एज अ मेटाबोलिज्म एक्साइटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो प्रोटोबायोन्ट हो गया, इसके अंदर धीरे धीरे क्या आ गया कि मेटाबॉलिज्म यानी कि अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता आ गई, यानी कि थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ और उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया, ठीक है। अब वो केमिकल एनवायरनमेंट जो उसके आसपास था ना, वो उससे बिल्कुल अलग हो गया, उसको मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर? प्रोटोबायोन्ट जो सेल बना है हमारा, अब वो मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है, यानी कि उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, अब चलना स्टार्ट हो गया वो उसके अंदर, और वो आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट है उससे वो अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट बना रहा है, ठीक है, और वहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, थैंक यू सॉरी आज के लिए इतना ही, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े। एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, बेसिकली आज हम लोग टॉपिक में यही बात करने वाले थे कि क्या हम लोग लैब में ये सारे चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं, जो जो भी हमें एक सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सेल्स में क्या हो गया? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, शुगर, एटीपी, यही सब चीज़ तो चल रहा है ना। ये सब चीज़ के लिए क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना। ऑक्सीजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, कार्बन है हमारे पास, उस समय सब चीज़ थे, बस दिक्कत थी उसको आपस में जोड़ने का, और वो सब नेचुरल प्रोसेस की वजह से सब हो भी गया। और इसी चीज़ को हम लोग जब लैब में किए तो हम लोग प्रूफ भी कर देंगे, अरे हाँ 20 अमीनो एसिड भी बन गया भाई, शुगर भी बन गया, लिपिड भी बन गया, नाइट्रोजनस बेस भी बन गया, और इवन एटीपी तक बना लिए भाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज पढ़े। इसके बाद फिर दो जो चैप्टर, दो जो टॉपिक में देखा जाए, इस टॉपिक में दो चीज़ इम्पोर्टेंट आया, वो था एक क्ले और दूसरा था हॉट रॉक। हॉट रॉक से भी फॉर्मेशन हुआ था ऑर्गेनिक मोलिकुल्स का, ठीक है। और यहाँ पर क्ले भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मोनोमर्स का फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि क्ले में बहुत सारे प्लस माइनस नेगेटिव चार्जेस थे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।